वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है, जो कि आप लोग देख सकते हो स्मार्ट ब्रेसलेट, ये वाला स्मार्ट वॉच जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये जो स्मार्ट वॉच है फ्रेंड्स, होता क्या है प्रॉब्लम, मैं आप लोगों को पहले प्रॉब्लम बता देता हूँ कि इस स्मार्ट वॉच में क्या प्रॉब्लम है। और आपने टाइटल और थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो स्मार्ट वॉच है ना फ्रेंड्स, वो इसका जो एप्लीकेशन है फिट प्रो, जैसे कि ये वाला एप्लीकेशन है, इसमें क्या होता है कि कभी कभार जो है हम इसको कनेक्ट करके रखते हैं तो ऑटोमेटिक जो हमारा एप्लीकेशन है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। मतलब यार हम परेशान हो चुके हैं, इसको हम कनेक्ट करके रखते हैं, आधे घंटे चलता है, एक घंटे चलता है, और हमारा जो वॉच है, हमारा जो ब्रेसलेट है, वो हमारे फ़ोन से ऑटोमेटिक डिसकनेक्ट हो जाता है। हम इसको जो है डिसकनेक्ट करते भी नहीं और हमारा जो वॉच है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग जो है किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इसका जो है क्या उपाय है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया फ्रेंड्स। अगर आप लोगों के पास भी ये वाला स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट ब्रेसलेट, और बार बार आपके फ़ोन से आपका जो वॉच है वो डिसकनेक्ट हो जा रहा है या फिर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कनेक्ट होता है सारे सर्विसेज नहीं आता है, तो आखिरकार सॉल्यूशन क्या है? तो इसका फ्रेंड्स बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। चलो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। देखो फ्रेंड्स होता क्या, मैं आप लोगों को बता दूं। देखो होता यह है कि इसका जो ये स्मार्ट वॉच है, ये अपडेट नहीं होने के कारण और इसका एप्लीकेशन जो है अपडेट नहीं होने के कारण उस केसेस में जो है ये इस तरीके का प्रॉब्लम आता है, या फिर आप लोगों का जो ब्लूटूथ है वो जो है अच्छे तरीके से वर्क नहीं करता होगा, उस केसेस में प्रॉब्लम आता है। जनरली दो ही चीज़ होता है जिसके कारण ये जो स्मार्ट वॉच है वो बार बार हमारे फ़ोन से डिसकनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है फ्रेंड्स, सिंपल से आपके फ़ोन में जो भी एप्लीकेशन है फिट प्रो का, इसको सबसे पहले आप लोगों को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। इसको अनइंस्टॉल करने के बाद आपका जो वॉच है इसको यहाँ पे आप लोगों को रीसेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपका ये जो वॉच है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मोड पे यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो वॉच है फ्रेंड्स इसको आप लोगों को जो है रीसेट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो वॉच है यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहले आप लोग आपके फोन का जो एप्लीकेशन है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और इसका ये जो एप्लीकेशन है मतलब सॉरी ये जो वॉच है इसको जो है रीसेट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैं इसको यहाँ रीसेटिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये रीसेट हो रहा है। इसको रीसेट करने के बाद यहाँ पे अभी आप लोगों को आ जाना आपके गूगल प्ले स्टोर पे। गूगल प्ले स्टोर पे आने के बाद ये देख सकते हैं हमारा जो वॉच है वो सक्सेसफुली रीसेट हो चुका है। अभी जो है फ्रेंड्स अब आप लोगों को करना क्या है, अब आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिट प्रो सर्च करना है और अभी जो है फिट प्रो एप्लीकेशन को सिंपल से आप लोगों को जो है इंस्टॉल कर लेना है और इस बार जो है कनेक्ट करके यूज करना है। तो आपका जो स्मार्ट वॉच जो डिसकनेक्ट का प्रॉब्लम था वो 110% आपका जो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मेरा ये जो वॉच है फ्रेंड्स वो इसी तरीके से बार बार डिसकनेक्ट हो जाता था, कुछ भी करते थे डिसकनेक्ट हो जाता था। तो देखो अगर आप लोगों का भी ये प्रॉब्लम है बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो सिंपल से यार जो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को ट्रिक बताया उस ट्रिक को यूज़ करो, 110% मैं गारंटी देता हूँ कि आपका भी स्मार्ट वॉच अब कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होगा और इसको आप जो इजीली से यूज़ कर पाओगे एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो अगर डिस्कनेक्ट अगर फिर भी होता है ये सारे चीज़ करने के बाद तो आप मैं इस वीडियो को नीचे कॉमेंट करके बताइए, तो मैं इससे रिलेटेड एक और वीडियो बना दूंगा बराबर और मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखा दूंगा कि ये प्रॉब्लम इसी तरीके से सॉल्व होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जो घंटे का आइकन है उसको भी जरूर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग मोबाइल वाला जॉन।